अस्सलाम वालेकुम, ये है मस्जिद। अभी बता रहा हूँ नाम पढ़ के पीछे मुड़ के। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये हमारी कोलंबो में, और यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और मस्जिद का नाम है अल मस्जिद अल जामा अजफर, और श्रीलंकन ज़मान में ज़ोए नहीं होता इसलिए अलफर। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये, इसके क्लोज बना के देखते हैं थोड़े से। वाह ज़बरदस्त शानदार। श्रीलंका कोलंबो मस्जिद जामा अल अफर अफ्तर अजफर इस तरह से कुछ नाम है। और ट्रेडिशनल वे है यहाँ पे हमारा वजू करने का, तो वैसे तो दूसरा वजू खाना भी है जैसा होता है अब आजकल, लेकिन मैंने कहा ये वाला ट्राई करना चाहिए। अच्छा लग रहा है। ये अंदर के मनाजिर हैं मस्जिद जामा और असफर के। माशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ 12 बजे हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1:30 बजने वाला है और ठीक ठाक नमाजी आए जा रहे हैं मुसलसल जो लेट हो गए। और अब ये पिलर पता नहीं, वैसे देखने में तो लकड़ी के हैं, हो सकता है अंदर सीमेंट हो क्योंकि काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में ऊपर ही ऊपरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्टों को भी आने देते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये टूरिस्टों को लिबास फराहम करते हैं इस्लामी कवानीन के मुताबिक। अब जैसे ये ख़वातीन जो आप देख रहे हैं ये गैर मुल्की ख़वातीन हैं, तो इनको इन्होंने अबाए दिए हैं। और जो मर्द हज़रात हैं अक्सर नेकर्स में होते हैं ना गैर मुल्की यूरोपियंस, तो उनको इन्होंने उनको गाउन दिए हुए हैं। The combination of Indian and Islamic cultural mixed architect, we call hybrid architect. And you all can see the four pillars, 1, 2, 3, 4, and doors and staircases, it's all made by teak wood since 1908. And have you all seen in the ground floor, a small pool is there, have you noticed that? That from that pool we can swim, that's for the ablution. Ablution means purification. Usually you can see if you visit to any other places, everywhere white or green or blue or some light colors. But this mosque is quite different, unique in the world. Do you have any ideas? No, I don't have. Okay. Do you all know the pomegranate fruit? Anar. Okay. Anar. If you cut the pomegranate, yes, pomegranate, you all can see only two colors, the red and white. That's the theme, that's architectural designs, inspired by the pomegranate fruit. And you can ask, why pomegranate? What's the significance of the pomegranate fruit? Because this fruit mentioned in the Holy Quran and fruit of paradise. That's the reason we choose this fruit. Since 1908, the same structure, red and white building. There's a Quranic verse in the chapter number 55, the verse number 68, we call Surah Al-Rahman. The romance means pomegranate fruit. Okay, now take your time, take photos enough. It's your time. You can take photos in everywhere, but on humble request, they're not allowed to go inside their prayer halls.
तो जनाब ये हम इस वक्त छत पे मौजूद हैं कोलंबो श्रीलंका की मस्जिद जामियातुल असवर की, और ये 6 मंजिला बिल्डिंग है, पूरी रेड रेड मॉस्क कहलाती है, लेकिन रेड और वाइट इसकी थीम है। ये जो इसके मीनार देख रहे हैं ना आप, बेसिकली ये सारे मीनार जो है वो अनार की थीम पर है, तो इस वजह से रेड और वाइट इसका कलर है, लेकिन रेड मस्जिद ये कहलाती है, कोलंबो में है, श्रीलंका में। और मैं इस वक्त इसकी छत पे हूँ 6 मंजिला बिल्डिंग की, और यहाँ पे जो एक गाइड है हमारे मुसलमान, उन्होंने बताया कि असल में इसको अनार की थीम पे डिज़ाइन किया गया, और वजह ये थी कि अनार का ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये